Everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Myself Umar Taskeer. Guys, last video में हम लोगों ने बात करी थी about promoting podcast on Instagram. Instagram के ऊपर किस तरीके से हम promote कर सकते हैं. उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा platform specific हो रहे हैं, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं Facebook के बारे में कि अगर हमें अपने podcast को Facebook के ऊपर promote करना है तो कौन कौन सी अलग अलग strategies हैं जिनको हम use कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. Facebook platform हमें ऐसी कौन सी flexibilities देता है जिनको यूज करके हम पॉडकास्ट को प्रमोट कर सकते हैं. पहली बात तो आपको फेसबुक पेज बना लेना, क्योंकि ये चीज बाद में भी आपको हेल्प करेगी जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ जाएंगे, तो फेसबुक पेज जो है वो आपको हेल्प करेगा, राइट. देन द सेकंड थिंग इज कि आप फेसबुक पेज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाओ, ठीक है. क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि लाइक्स वगैरह होनी चाहिए. अब अगर ऑर्गेनिक लाइक्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी नहीं आ रहे हैं, तो आप छोटा सा पेड कैंपेन भी चला सकते हैं लाइक्स के लिए, जो पेड कैंपेन होता है. बट हाँ, थोड़ा सा हाइपर टारगेटेड करके आपको लाइक्स के लिए पेड कैंपेन चलाना होगा ताकि लाइक्स आपको मिल जाए, तो एक ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाए, एक नंबर्स जो वहां पर दिखते हैं, राइट, तो पीपल विल अप्रोच यू, फाइन. देन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग पेज को क्रिएट कर देते हैं बट उसमें पेज में आप देखो जाके कि वहां पर व्हाट्सएप का जो है ऑप्शन वो भी आप ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेंजर का आप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑटोमेटिक मैसेज बना सकते हैं, बॉट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज इट, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस पेज. ऐसा नहीं केवल आपका पॉडकास्ट का पेज है, ऑलवेज ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस पेज. क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द सेम, राइट, कि किस तरीके से कंटेंट आप बनाएंगे उसका एक कैलेंडर बना लीजिए कि आज के दिन मैं ये डालूंगा, कल के दिन मैं ये डालूंगा. तो उससे क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे आप आओ और पेज पे जाओ, सोचो मैं कौन सा कंटेंट डालूं, तो ये चीज आपके पास नहीं होगी. प्रॉपरली आपके पास कंटेंट कैलेंडर बना होगा और उसमें आप देखोगे कहां कहां पर आपके पास गैप्स हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आप पोस्ट कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी. गो फेसबुक लाइव समटाइम्स विद पॉडकास्ट, राइट, व्हेन यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट उस वक्त आप लाइव जाओ. सी दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बॉन्ड बिटवीन यू, योर ऑडियंस, योर फेसबुक ऑडियंस, राइट, उनके बीच में बहुत ज्यादा बॉन्ड क्रिएट करना. दे विल कम एंड फॉलो यू, और उनके जो फॉलो करने का कन्वर्जन रेट है ना, राइट, द पीपल हु आर सीइंग योर लाइव वीडियो एंड द पीपल हु आर कमिंग टू योर पॉडकास्ट एंड लिसनिंग योर पॉडकास्ट एंड फॉलोइंग इट, राइट, उनका कन्वर्जन रेट इज सुपर हाई. देन क्रिएट अ विजुअल स्नीक पीक ऑफ द पॉडकास्ट, जो मैंने इंस्टाग्राम में बात करी थी वही सेम चीज यहाँ पर, स्नीक पीक बिहाइंड द सीन, सम वीडियोस, सम कन्वर्सेशन विद योर होस्ट, सम कन्वर्सेशन विद योर गेस्ट, ऑल दोस थिंग्स, राइट. गो फॉर द कराउजल कंटेंट, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज टूडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज के टाइम में कराउजल कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. सो यू कैन यूज दिस कराउजल कंटेंट. और आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका कोई अपकमिंग पॉडकास्ट है, लेट मी शो यू, अगर आपका कोई अपकमिंग पॉडकास्ट है तो उसमें आप क्या डिस्कस करोगे, उस पॉडकास्ट का क्या कॉन्टेंट है, उस पॉडकास्ट का क्या एजेंडा है, फाइन, किन चीजों के बारे में बात करोगे, वो सारी चीजें आप कराउजल में 1, 2, 3, 4, 5 करके आप स्लाइड्स बना के आप कर सकते हो. इट्स वेरी गुड, राइट, एंड इट डेफिनेटली ब्रिंग्स ट्रैफिक टू योर पॉडकास्ट, राइट. यूज फेसबुक स्टोरीज कॉन्टिन्यूसली, यूज फेसबुक स्टोरीज, राइट. अब ये चीज ये है कि कॉन्टिन्यूसली आपको फेसबुक स्टोरीज को यूज करना, मतलब रेगुलरली आपको उसको वहां पर जो है कॉन्टेंट पोस्ट करना है. देन पोस्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग सेक्शन, ये वही चीज हो गई जो हम लोगों ने बात की थी विजुअल स्नीक पीक की. क्रिएट कम्युनिटी पोस्ट रिलेटेड टू योर पॉडकास्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ब्रिंग्स एंगेजमेंट ऑन योर पेज ऑल्सो एंड विच कैन गिव यू अ वैल्यूएबल फीडबैक ऑल्सो. कुछ भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं, दैट हैव यू सीन माई रिसेंट पॉडकास्ट विच इज बेस्ड ऑन दिस, और डू यू वॉन्ट मी टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक्स, यू जस्ट राइट डाउन 4 topics और उस पोल में आप पूछ रहे हो कि आप क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पे करूं, या इन्फ्लुएंसर्स के नाम आपने डाल दिए कि आप क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करूं. तो दीज आर द डिफरेंट पोल्स, बट द पोल शुड बी अराउंड योर वी कैन से दैट पॉडकास्ट ओनली. आपको अपने घर के क्वेश्चंस नहीं पूछने वहां पर, राइट, आपको दूसरी निश के क्वेश्चंस वहां पर नहीं पूछने, आपको पॉलिटिकल क्वेश्चंस वहां पर नहीं पूछने. वैसे आई विल रिकमेंड यू, राइट, ऑन व्हाट एवर सोशल प्लेटफॉर्म यू आर, इफ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, तो आपको ये करना है कि वैसे भी पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल चीजें उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज दीज थिंग्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंग्स, राइट, तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करो उस चीज को. दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड. देन द सेकेंड थिंग इज शेयर योर पॉडकास्ट इन द रिलेवेंट फेसबुक ग्रुप, वट एवर द फेसबुक ग्रुप्स आर, शेयर योर पॉडकास्ट ओवर देयर, राइट, एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. हो सकता है वो आपके फेसबुक ग्रुप्स जो है वो पॉडकास्ट को अप्रूव ना करें उनके एडमिन, तो मेक कनेक्शंस विद देम, डू DM उनको, प्राइवेट मैसेज करो. बट ये सारी चीजें गाइस तभी काम करेंगी जब आपके पॉडकास्ट के कंटेंट में दम होगा, ट्रस्ट मी. अगर कंटेंट, सी कई बार ऐसा होता है कि आपने क्या किया, आपने कंटेंट पे फोकस ही नहीं किया, आपने कंटेंट की क्वालिटी नहीं बनाई, कंटेंट पे फोकस नहीं किया, और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, थिंग्स विल नॉट वर्क, राइट. अगर आप फेसबुक ग्रुप के किसी एडमिन को अप्रोच करोगे जिसकी ग्रुप की कम्युनिटी अच्छी, 30,000, 40,000 लोगों की कम्युनिटी है,
he will basically judge your podcast. Truly speaking, he will judge your podcast or she will judge your podcast. कि आपके podcast में वो content है जो मेरी community को चाहिए या नहीं. Fine, तो वो content वाला आप चीज strong रखो, starting से ही content niche ये सारी चीजें पकड़ के रखो. कोई जरूरी नहीं है कि हमें एक ही रोज ही एक podcast डालना है. कोशिश करनी कि जो हमने frequency बना रखी वो maintain रखेंगे, but content से compromise नहीं हो सकता. Fine, because the ultimate thing is content. The final and the ultimate thing is content. These all are the things which are basically pushing your content. But if there is no content, these things will not work. Definitely these things will not work. Then my suggestion is, sabse pehle kya karna hai? Content. Content is basically the value which you are giving your podcast. Fine. Are you authentic for that value? Are you the authentic person for that value? Aapko log sunenge, right? तो ये सारी चीजें हैं. फाइन, तो आपको पहले वो बेस तैयार करना है, देन दीज थिंग्स विल एक्चुअली वर्क, राइट. इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जिनके थ्रू आप हमने पॉडकास्ट को ग्रो करते हैं एक्चुअली, राइट. क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है, दिस इज एक्चुअली प्रमोटिंग, राइट. तो ये जब आपका वो बैकग्राउंड मजबूत हो रहा है, इसी जब हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो क्या हम पहले मार्केटिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट बाद में डिजाइन करते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट. पहले हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, उसके फीचर्स हमें पता होते हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट की यूएसपीज पता होती है, फिर हम उन यूएसपीज को बेच के प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, राइट. सो गाइज, आई बिलीव अभी आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड भी डिस्कशन करूंगा, किस तरीके से अपने पॉडकास्ट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक एड्स, यानी पेड एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हैं. उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.